हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कटर मशीन पर। और यहाँ पर मैंने ली है डीवाल्ट कंपनी की 14 इंच की कटर मशीन, जिसका मॉडल नंबर है D28870। तो अब हम देखते हैं कैसा है इस मशीन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और लास्ट में हम लेंगे इसका डिटेल डेमोस्ट्रेशन। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्या क्या आता है इस बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा डीवाल्ट कंपनी का ब्रोशर। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे मशीन को यूज करना है, क्या है इसके फीचर्स, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद यहां पर आपको मिल जाती हैं दो कटर ब्लेड्स, जो कि आती है इस मशीन के साथ में फ्री। तो ये दो कटर ब्लेड आपको इस मशीन के साथ में मिल जाती है। इसके बाद में आपको मिल जाती है यहां पर हमारी मशीन, जो मैं आपको बाहर निकाल के बताता हूं। तो ये है फाइनली हमारी डीवाल्ट की मशीन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस मशीन के साथ में आपको दो ब्लेड्स आती हैं प्लस एक ब्लेड आपको यहां पर लगी मिल जाती है। ऐसे में आपको इस मशीन के साथ पूरी तीन ब्लेड मिल जाती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशंस की। ये एक अच्छी खासी भारी भरकम मशीन है, जिसका वेट है पूरे 18.5 किलो। इस मशीन का जो आरपीएम है वो है 3800। 14 इंच की जितनी भी कटर मशीन आती हैं वो अधिकतर 3800 आरपीएम की ही आती हैं। ये मशीन आती है 2200 वॉट की। इसलिए आप एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप ये प्लग लगाएं हमेशा 16 एम्पियर के सॉकेट में ही लगाएं। अगर आप इसको 6 एम्पियर के सॉकेट में लगाएंगे तो आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। 6 एम्पियर के सॉकेट वो होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर टीवी चलाते हैं, और 16 एम्पियर के सॉकेट वो होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना एसी चलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर, जिसकी लंबाई है पूरे 8 फिट। इस मशीन के साथ आपको मिल जाती है 14 इंच की कटर ब्लेड, या फिर हम ये कहें कि इस ब्लेड का साइज है 355 mm। उसके बाद इस मशीन के अंदर आपको मिल जाती है पूरे 2 साल की वारंटी। पहले इसके अंदर 1 साल की वारंटी आती थी, पर अब इसके अंदर आती है पूरे 2 साल की वारंटी। चलिए तो अब हम बात करते हैं डिटेल में इस मशीन के फीचर्स की। 14 इंची कटर मशीन इस फोल्डेबल फॉर्म में आती है। इसको अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पर एक लॉक की दी गई है। यहाँ पर दी गई है लॉक की। आप हैंडल को हल्का सा नीचे झुकाएंगे और लॉक की को प्रेस कर देंगे, फिर आपकी मशीन अनफोल्ड हो जाएगी। यह है इस मशीन का बेस। इसका साइज है 1.25x। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लोहा नहीं है, ये एक पतरा है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का पतरा है। इस बेस में 4 होल देके रखे हैं, जिसकी मदद से आप इसको टेबल पर फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है 8 mm का एलन की, जिससे कि आप ब्लेड चेंज कर सकते हैं, और यहां पे डिग्री ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे ब्लेड चेंज करते हैं और कैसे डिग्री ऑप्शन यूज करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस मशीन में आपको 2 गार्ड मिल जाते हैं, ये है स्पार्क गार्ड और ये है सेफ्टी गार्ड। जब आप मशीन चलाते हैं तो अच्छी खासी चिंगारियां पीछे की तरफ आती हैं। ये जो स्पार्क गार्ड है चिंगारी को नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देता है। इस स्पार्क गार्ड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो दूसरा गार्ड है वो ये है आपका सेफ्टी प्रोटेक्टर। जैसे ही आप मशीन को नीचे करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाते जाता है, और जैसे ही आप इसको रिलीज करते हैं फिर ये अपनी पोजीशन ले लेता है। ये जो गार्ड है ये आपको चिंगारी से भी बचाता है और कहीं हद तक एक्सीडेंट से भी बचाता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की स्प्रिंग मिल जाती है, यही स्प्रिंग मशीन को ऊपर की तरफ धकेलती है। कटर मशीन में 2 टाइप के हैंडल आते हैं। ये जो हैंडल है ये है हॉरिजॉन्टल हैंडल, इसके अलावा आता है वर्टिकल हैंडल। इस मशीन का जो ट्रिगर है वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, और इसके पीछे आपको मिल जाता है लॉक ऑन स्विच। यहाँ पे देके रखा है इसका लॉक ऑन स्विच। अगर मैं इसका ट्रिगर प्रेस करके इसको दबा दूंगा तब अब मशीन कंटिन्यू चलती रहेगी, फिर मैं ट्रिगर प्रेस करूंगा तो ये बटन रिलीज हो जाएगा। इन मशीनों में एक और मॉडल आता है जो होता है 16 इंच का। 16 इंच की मशीन में इंडक्शन मोटर लगती है, और वो अधिकतर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री में यूज होती है। इंडक्शन मोटर का फायदा ये होता है कि उसमें हमको कार्बन ब्रश चेंज नहीं करना पड़ते। मगर ये जो हमारी मशीन है ये 14 इंच की है, इसमें आती है यूनिवर्सल मोटर, और इसके अंदर हमको कार्बन चेंज करना पड़ते हैं। कैसे करते हैं इसे कार्बन चेंज ये मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो आपको स्पार्क का सिंबल दिख रहा है, यहीं पे है इसका कार्बन ब्रश। इसके अंदर दो कार्बन ब्रश है, एक यहां पर है और एक इसके अपोजिट साइड में है। कार्बन ब्रश चेंज करने के लिए आपको ये वाला पोर्शन पूरा खोलना पड़ता है। हमने इसके यहां पर दोनों स्क्रू खोल लिए हैं, अब मैं जरा इसको बाहर निकाल लेता हूं। यहां पर रहता है इसका कार्बन ब्रश, इसको जरा हम बाहर निकाल लेते हैं खोल के। ये देखिए, ये इसका कार्बन ब्रश है। ये कार्बन ब्रश मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल हैं, आपको ये लोकल टूल शॉप पे भी मिल जाएंगे। जब ये कार्बन ब्रश घिस जाए तो आप खुद इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। यह है इसका शाफ्ट लॉक बटन, ये काम में आता है ब्लेड चेंज करने के। अभी आप देख सकते हैं मैं ये ब्लेड को घुमा रहा हूं और ब्लेड इजीली घूम रही है। ये जो फ्लेंज है यहाँ पे होल देके रखे हैं, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे और ब्लेड घुमाएंगे तो ये शाफ्ट लॉक इस फ्लेंज के अंदर फिट हो जाएगा। उसके बाद जो ये आपकी ब्लेड है नहीं हिलेगी। तो अब ब्लेड कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्लेड चेंज करने के लिए ये जो सेफ्टी गार्ड है इसको हम उठाएंगे और ये आपको बोल्ट दिख रहा है, यहाँ पे हम अपना एलन की लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना एलन की लगा दिया है और ये मैंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया था, इसके पीछे एक शाफ्ट है जो हमें पुश करना पड़ता है, जो कि इस फ्लेंज में लग जाता है। तो मैं इस शाफ्ट को मैंने दबाया। अब देखिए, मैं इस व्हील को घुमा रहा हूँ। ये देखिए, ये व्हील को घुमाया, ये जो हमारा शाफ्ट है फ्लेंज में फिक्स हो गया है। अब मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बोल्ट निकला है। उसके बाद ये एक बहुत ही मोटा वॉशर है जो इसके साथ में आया है और ये है फ्लेंज। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारी ब्लेड है अभी ऐसे बाहर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक और फ्लेंज आपको मिल जाता है। ये देखिए, ये दोनों फ्लेंज एक जैसे ही हैं, आप इसको आगे पीछे करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसको वापस से फिट कर देते हैं। चौदह इंची कटर मशीन का फायदा यह होता है कि बेस के ऊपर यहां पर आपको मिल जाता है एक वाइस। ये जो आपको दिख रहा है यह है इसका हाफ नट मैकेनिज्म, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑटो लॉक। इसको मैंने ऊपर किया, अब मैंने इसको अपनी तरफ खींचा, अब मैं इसको यहां पे छोड़ देता हूं। तो ये आगे तो जा सकता है, बट जैसे आप इसको पीछे करेंगे तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा। अब ये पीछे नहीं आएगा। ये देखिए, अब ये लॉक हो गया। ये मैंने इसको आगे किया मगर ये पीछे नहीं आता, ये हो जाता है ऑटो लॉक। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको एक फ्री हैंड, ऑब्जेक्ट रखने पे ये उसका शेप ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद ये है इसका डिग्री मैकेनिज्म, ये जो लीवर है जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा तो अब ये बिल्कुल लूज हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिग्री दिख जाएगी। यह है 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। सपोज अब मुझे इसको 30 डिग्री पे सेट करना है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के घुमाऊंगा, बड़े इजीली ये घूम जाएगा। ये मैंने सेट कर दिया इसको 30 डिग्री पे, ये हो गया है। अब वापस मैं इस लीवर को लॉक कर देता हूँ। अब सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट की कटिंग करना है, मैंने इसको यहाँ पे रखा और जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्री हैंड है, तो अब मैं इसको आगे की तरफ पुश करूँगा। ये देखिए, इसने अपने आप ही इसका शेप ले लिया है। और इसके बाद ये जो इसका ऑटो लॉक है इसको मैं नीचे करके यहाँ से इसको टाइट कर दूंगा। तो इस प्रकार से वाइस का यूज़ करते हैं और डिग्री कटिंग करते हैं। हमने इस मशीन की कर ली है अच्छे से डिटेलिंग, अब हम लेते हैं इसका डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे पास यहाँ पर एक 1.25 का पाइप है, इसको हम काट के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर हमारे इस पाइप को काट दिया है। अब मैं आपको काट के दिखाता हूँ एक 2x2 का एंगल। तो यहाँ पर मेरे पास एक 2x2 का एंगल है, अब हम जरा इसको काट के देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे 2x2 के एंगल को इस कटर मशीन ने कितनी सफाई से काटा है। ये मेरे पास एक स्क्वायर पाइप है 2x2 का, अब हम लोग इसको डिग्री कटिंग में काटते हैं। डिग्री कटिंग में काटने के लिए ये जो लीवर है पहले आप इसको लूज करेंगे
और आप इसको 45 डिग्री पे सेट कर देंगे। मैं इसको 45 डिग्री पे सेट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। और वापस से मैं इसका लीवर फिक्स कर देता हूँ। तो ये था हमारा स्क्वायर पाइप 2x2 का, जिसने इसको बहुत अच्छे से डिग्री कटिंग किया है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट 45 डिग्री में काटा है। अब ये जो राउंड पाइप है इसको जरा हम 15 डिग्री कटिंग में काटते हैं। ये जो हमारा पाइप था हमने इसको 15 डिग्री में काटा, ये देखिए एक्यूरेट बिल्कुल 15 डिग्री में कटा है। इससे आप डिग्री कटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना बढ़िया कटर है ये, इसको आप ले सकते हैं, ये पूरा पैसा वसूल है। इसका एमआरपी है 18,000 और ये मुझे ऑफर प्राइस में मिला है 13,500 में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां से भी जाके आप इसको ले सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। और यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।